का खौफ एक बार फिर से लौट आया है, जिसके चलते कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन तो कहीं पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। इसी बीच देश के अलग अलग राज्यों में हालात ये हैं कि अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है, जिससे कोरोना मरीजों और उनके परिवारों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में कनाडा के रिसर्च चेयर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड ग्लोबल हेल्थ में प्रोफेसर और एसोसिएट डायरेक्टर मधुपाई ने उन मरीजों के लिए सुझाव दिए हैं जो होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली जैसे शहरों में जहां बेड की कमी है, वहां खुद आपको अपना ख्याल रखना है। लेकिन आपको अपने इस मुश्किल दौर में क्या करना है, इसके लिए हम हैं आपकी मदद करने के लिए। कोरोना मरीजों पर अमेरिका के मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर फहीम यूनिस के मुताबिक ज्यादातर मरीज 14 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं, लेकिन 10% से कम संख्या ऐसे लोगों की होती है जिनकी हालत दूसरे हफ्ते में बिगड़नी शुरू होती है। डॉक्टर फहीम ऐसे लोगों को समझाते हैं कि अगर पहले 2 हफ्तों में आपकी हालत खराब नहीं हुई है तो आप ठीक हो रहे हैं। 80% से ज्यादा लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। डॉक्टर फहीम ये भी कहते हैं कि किसी की तबीयत तेजी से खराब होती है लेकिन सुधार धीमे होता है। ऐसे में उन लोगों को सलाह देते हुए कहते हैं कि कोरोना के वेरिएंट की परवाह किए बगैर वो अपने निजी व्यवहार पर ध्यान दें, अपना ख्याल रखें। उनकी सलाह है कि N95 और KN95 मास्क पहने, भीड़ में जाने से बचें और वैक्सीन लगवाएं। वो कहते हैं कि जिन चीजों पर आप नियंत्रण कर सकते हैं उन पर ध्यान दें और सतर्कता में रहें। हालांकि होम आइसोलेशन वाले मरीजों को क्या करना है, इसे बताते हैं मधुपाय। वो कहते हैं कि अगर आप कोरोना के शुरुआती दौर में हैं, यानी कि आपको कुछ ही दिनों पहले कोरोना डिटेक्ट हुआ है, तो अपने ऑक्सीजन लेवल को आपको ऑक्सीमीटर के जरिए जांच करते रहना चाहिए। ऑक्सीमीटर ले आएं और दिन के हर 4 घंटे बाद अपने ऑक्सीजन की जांच करवाते रहें। आराम करें, खुद को हाइड्रेट करते रहें, जिसका मतलब ये है कि आपको पानी पीते रहना है या फिर जूस का सेवन करते रहें। बुखार को कम करने के लिए आप पैरासिटामोल खा सकते हैं। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो आपको मास्क जरूर पहनना है ताकि आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों को सुरक्षित रख सके। होम आइसोलेशन के दौरान अगर ऑक्सीमीटर पर आपका ऑक्सीजन लेवल 92% से ज्यादा है तो आपको अपने बुखार को कम करने के लिए पैरासिटामोल खानी है। आपको खूब पानी पीते रहना चाहिए और भाप लेते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप होम आइसोलेशन में हैं और ऑक्सीमीटर पर ऑक्सीजन लेवल 92% से नीचे आ जाए तो आप घर पर ऑक्सीजन लगवा सकते हैं, या फिर आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग भी अपने घरों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगवा सकते हैं वो डेक्सामेथासोन दवा का सेवन लगातार 10 दिन कर सकते हैं। आपको अपना ऑक्सीजन लेवल बार बार चेक करते रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल 92% से ज्यादा हो। शरीर में आपको पानी पहुंचाते रहना है, यानी कि खुद को हाइड्रेट करना है, और बुखार रहने पर पैरासिटामोल खा सकते हैं। हालांकि मधुपाई कहते हैं कि जो भी लोग बाकी बीमारियों से जूझ रहे हैं वो डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें। जो भी दवाएं होम आइसोलेशन में मरीजों को चिकित्सक बताते हैं, इसके अलावा कोई भी दवाई लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर आप होम आइसोलेशन और आपको होम आइसोलेशन के दौरान कौन सी दवाएं खानी है, इसके बारे में तमाम प्रिस्क्रिप्शन देखते होंगे, लेकिन आपको ऐसे प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करना है। अगर आपकी 2 हफ्तों में भी तबीयत खराब ही रहती है तो आपको डॉक्टर से एक बार फिर से सलाह मशवरा करने की जरूरत होगी।